देख रहे हैं मिशन सच बिहार। मेरा नाम लाटू कुमार शर्मा है और हम इस वक्त दरभंगा के प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। खासकर बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दो दिवसीय किया है और खासकर आज का हम आपको अपडेट बताएंगे कि यहाँ पे 5 विधानसभा का राजद कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। सभी को 1-to-1 बारी बारी से लोगों का समस्या जाना कि आखिर में बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, फिर भी लोकसभा चुनाव में हार कैसे हुई, इसी मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। और खास कर हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ से कार्यकर्ता से भी कुछ बात करेंगे कि आखिर में किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने लोगों से रूबरू बात किया और क्या कार्यकर्ताओं को टास्क मिला। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है कि वर्षों के बाद जो है इस तरह का कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव खुद संवाद किया है। बने रहे हमारे न्यूज़ क्रम। यह है कि हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का रैला रैली तो होते ही रहता है, जनताओं से रोड शो होती रहती है, सभी लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन खास करके जो आज का कार्यक्रम है वो 11 और 12 का, 12 और 13 का, उसमें कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इसमें सिर्फ हमारे दरभंगा जिला के पंचायत अध्यक्ष रहेंगे और हमारे प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे और भी प्रकोष्ठ के जिला के जो अध्यक्ष है वो लोग रहेंगे, प्रकोष्ठ के तमाम साथी रहेंगे। और उन लोगों से डायरेक्ट पूछना है कि आपको कमी किस बात की है, हो सकता है कहीं ग्रुपिंग बाजी होता हो या कहीं किसी के साथ अपमान होता हो, उसको सम्मान नहीं देता हो, तो खुले जो अधिवेशन आज का कार्यक्रम कार्यकर्ता संवाद हुआ है, कार्यकर्ता ने डायरेक्ट अपनी बात को तेजस्वी जी के पास रखने का काम किया और तेजस्वी जी ने बड़ी गंभीरता से सुन करके ये बताया कि हम दरभंगा जिला और मधुबनी का नेतृत्व करते हैं। और आज उन्होंने घोषणा किया कि आज से मैं दरभंगा और मधुबनी का नेतृत्व करूंगा, इसलिए कि दरभंगा और मधुबनी हमारा बड़ा एरिया है, यहाँ 10-10 विधानसभा के क्षेत्र हैं और यहाँ हमको आनी चाहिए। एक समय था जहाँ हम 10 विधानसभा को जीतते थे, आज जो परिस्थिति खड़ी हुई है आज हम 10 विधानसभा में पिछड़ रहे हैं। मेन जो उनका सूत्र है उन्होंने बताया है और सभी लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और इन तेजस्वी जी के बातों पर अगर चलेंगे तो आने वाला 2025 में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा। सुनीति रंजन दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज तेजस्वी यादव जी से आपको 1-to-1 बात करने का मौका मिला है, क्या टास्क मिला है, क्या निर्देश मिला है? देखिए, अगला जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया वो सरयाम ये दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता की कमी है और माननीय विधायक जी पंचायत में आते हैं तो जिनके नाम से भन्ना जी उनके पास बैठने से निदान नहीं होगा। आप लोग से आग्रह है कि गांव में वोट बैंक है, गांव में परिवार बस्ती है, गांव में जाके डोर टू डोर भाई मिलिए। और मैं कहता हूं मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी युवा भाई सब आदमी माननीय तेजस्वी यादव जी का फैन है और उनको 2025 में सरकार लाने का काम करेंगे। का सारा कमी है हमारे कार्यकर्तागण, हमारे विधायक जीगण कुर्ती पैजामा पहन के आए हैं और एसी गाड़ी में फन्ना जी के दूरा पे बैठेंगे, तो फन्ना जी के दूरा पे करिएगा ना तो नहीं बनेगी सरकार। आप आइए तो समाज से मिलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कामदेव यादव, करतार सिंह खलवारा, पंचायत मुखिया, हनुमान नगर, दरभंगा। अच्छा, बाहरी बाहरी कैंडिडेट को जो टिकट दे देता है उस पर क्या चर्चा हुआ? देखिए, अभी वो एक कहनाम में है, जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारा एगो नारा था, जिसकी होगी खर्चा उसकी होगी चर्चा, जिसकी चर्चा नहीं उसकी पर्चा नहीं। तो अभी का जो समय है युवा चेहरा को मांग है, तो हम माननीय तेजस्वी जी से यही आग्रह करेंगे कि 10-10 बार टिकट ना बांटिए, 5 बार टिकट मत बांटिए, किसी गरीब को भी मौका दीजिए, किसी कार्यकर्ता को भी मौका दीजिए और एक ही घर से 10 को विधायक बनाइएगा तो ये आपकी सरकार नहीं चलेगी। बताइए, आज कार्यकर्ता संवाद था, तेजस्वी जी क्या आप लोगों का टास्क दिया? आज कार्यकर्ता संवाद में तेजस्वी यादव ने दरभंगा के जिला के में आकर कार्यकर्ताओं का एक रोष भर दिए हैं। रोष भरने के बाद उन्होंने अपना फरमान जारी किया है कि हम लोग ईर्षा द्वेष छोड़ें तभी बिहार में सरकार बनेगी, जब तक ईर्षा द्वेष करेंगे हम लोग सरकार बनने वाली नहीं है। हम लोग सभी कार्यकर्ता जो लोग हैं गांव-गांव जाएं, अपने मैनोफेस्टो बताएं। 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने अभी 5 लाख लोगों को जो नौकरी देने का काम किया है, इसको भी गांव ले जाकर बताना है
कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख जो है इनका पूरा करना है वो टारगेट है। हम फिर चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सरकार बने और 10 लाख लोगों का बेरोजगारों को रोजगार मिले और बिहार में जो है लालू यादव की सरकार फिर से चले। और फिर से क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार गुप्ता, जेडी नेता, दरभंगा जिला कार्यकारी सदस्य, हायाघाट। कितने बताइए, आज तेजस्वी जी से आपको सामने आमने सामने बात हुई, आपने बहुत अच्छा बात कही कि हम पढ़ाई करके राजनीति में आए हैं, फिर क्या आगे हुआ बात? हमारा कहना का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन होता है, बहुत सारे नेता आते हैं टिकट लेके आते हैं और वो अपना इलेक्शन लड़के यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो है कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, जो जनता है, उनके बीच में वो सही से नहीं आ पाता, कुछ बिचौलिया लोगों के कारण वो जो है सही से नहीं आ पाता, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ता है। तेजस्वी यादव हमसे खुद बात किए, जो आप लोग तो देख रहे 10-15 मिनट हम दोनों के बीच बात विवाद चला, तो जिसमें हम उनसे सवाल किया, जिनका जवाब वो संस्कृति पूछ सकिए और वो आश्वासन दिए हैं मिथिला के क्षेत्र में, यानी कि 10-15 सीट है, यदि उसमें से 9 सीट भी यदि जी जाते तो आज अपने बिहार में अपना सरकार होता। वो बोले हम 17 महीने में यानी 5 लाख रोजगार दे दिए हैं, वो बोले हम मिथिलांचल में हम खुद डील करेंगे, खुद यानी कि खुद से यहाँ पर कैंप करेंगे, खुद जहाँ से जहाँ होगा जितना ST ST OBC और जितना अल्पसंख्यक भाई है, जितना जनरल है, सबको कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और सबको मिला के अपनी सरकार बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार दास, पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर।